वैभव लक्ष्मी सिंह। मेरी कविता जिसका शीर्षक है सरल नहीं है नारी बनना। थोड़ा आवाज तेज कर दूं? हाँ बिल्कुल, खोल के पढ़िए, कोई दिक्कत सब अपने लोग समझ। मैं हूँ यहाँ। हाँ भैया। हाँ, उसकी पंक्तियाँ हैं, चौखट घूंघट लज्जा साड़ी, चौखट घूंघट लज्जा साड़ी, इतने में सिमटी बेचारी, कपड़ा बर्तन साफ सफाई, इसमें ही आत्मा समाई, नहीं अवकाश अनुमति होगी, कभी तो वह भी थकती होगी, मर्यादा है जिसका गहना, सरल नहीं है नारी बनना, सरल नहीं है नारी बनना। महावारी का कष्ट उठाए, उसमें भी नहीं छुट्टी पाए, यदि खबर लग गई कानों में, दिन बीतना तय है अपमानों में, मेहनत से घर बार बनाती, परायों को भी अपना मानती, प्रतिदिन अपार कष्टों को सहना, सरल नहीं है नारी बनना, सरल नहीं है नारी बनना। स्वच्छ भाव, स्वच्छ भाव, निश्चल स्वभाव, स्वतंत्र मन, बधा बेड़ियों में पांव, जीवन ऐसे ही बीत रहा है, घरनी ने यह रीत सहा है, जिसमें धरा का बीज है पलता, उस स्त्री का जीवन पिजरे में चलता, अन्याय घूट को पीते रहना, सरल नहीं है नारी बनना, सरल नहीं है नारी बनना। जग उससे ही पूरा होता, जग उससे ही पूरा होता, कटे पंख की चिड़िया का जीवन बड़ा अधूरा होता, सुबह दोपहर शाम रात में कष्ट दिख रहा अनेक बात में, कहती रहना बड़ा दूभर है जग में, जनती है जो संसार उदर में, कटीली राहों पर चलते रहना, सरल नहीं है नारी बनना, सरल नहीं है नारी। आंखों से अश्रु छलकता, हृदय अथाह पीड़ा में जलता, कितना कुछ वह सह जाती है, खामोश हमेशा रह जाती है, खुद को कितना पीछे रखा, प्रश्न नहीं क्यों करना सीखा, पीर छिपा कर हंसते रहना, सरल नहीं है नारी बनना, सरल नहीं है नारी बनना। एक मेरी कविता है जिसका शीर्षक है पराई भावरी, आजकल की समस्याओं पर है वो, तो उसकी पंक्तियां, हाँ, इस कविता का शीर्षक है पराई विभावरी। इसकी पंक्तियां हैं, रात के अंधकार में मैं अकेले जा रही थी, रात के अंधकार में मैं अकेले जा रही थी, घोर रजनी से मन में शत्रुता निभा रही थी, रिक्शे वाले ने पूछा, दीदी चल रही हो, बैठो कहाँ जाना है, क्यों अब तक खड़ी हो, समय देख लो, यदि हाथ में लगाई घड़ी हो, जमाने का तो पता है ना, दिखने में तो लगती लिखी पढ़ी हो, उसे क्या पता, उसे क्या पता, मानवता से दूरियां बना रही थी, रात के अंधकार में मैं अकेले जा रही थी, अधम से नहीं मंतव्य से डर लग रहा था, भीती के समक्ष किला आश्वास का अब ढह रहा था, चित्त एक बात बिलख कर कह रहा था, न जाने क्यों तरुण पामर को अब तक सह रहा था, समाज की नीचता मुझे डरा रही थी, रात के अंधकार में मैं अकेले जा रही थी। उम्मीद थी तमिस्त्र के पीछे घर हो मेरा, नजरें ढूंढती कहाँ है कुटी मेरी, किधर मेरा बसेरा, त्रास से मन कांपता है, आदित्य दूर कर दो अंधेरा, अराती से डर लग रहा है, अब तो आ जा रे सवेरा, धरित्री आज मुझको बचा रही थी, रात के अंधकार में मैं अकेले जा रही थी। क्या बात। मन से पूछ, रिक्शे पर बैठ गई मैं, विभीषिका के आतंक से सिकुड़कर ऐंठ गई मैं, निर्भीक होने का दिखावा कर रही हूँ, दुर्जन के खौफ से पग पग मर रही हूँ, सदन की चाह ले किसी अजनबी पर भरोसा जता रही थी, रात के अंधकार में मैं अकेले जा रही थी। मुझे परिवार की तब याद आई, मैं चाह कर भी रो न पाई, निशा की खाई में मैं समाई, कोहरे के आगे देता नहीं कुछ भी दिखाई, मैं थी शांत तमी विभोर हो चिल्ला रही थी, रात के अंधकार में मैं अकेले जा रही थी। कुटुंब को देखने की हो रही थी इच्छा, साध्वत से मांगती हूँ अविचल हौसले की भिक्षा, तरड़ी कर लो आज मेरी समीक्षा, धरड़ी विश्वास की ले रही परीक्षा, बुद्धि दहशत के गरल में नहा रही थी, रात के अंधकार में मैं अकेले जा रही थी। बेड़ियाँ अपनी जकड़ को कस रही हैं, हयात आज़ाद है या इस जाल में फंस रही है,
अडिग पांव वहीं में धस रही है, मनुज के कष्ट पर यह दुनिया कितना हंस रही है, मग्न रैन मुझे सता रही थी, रात के अंधकार में मैं अकेले जा रही थी। है अचल लालसा अयन की, चक्षु हो गया तृप्त देख झलक भवन की, छलक गई अश्रु जो अब तक उर्मे दफन थी, यामिनी ने बुझा दी प्यास नयन की, लगता है सर्वरी मेरी जिंदगी लौटा रही थी, जो मुझे अपनों की खुशबू आ रही थी, किरणें मुझे घर का रास्ता दिखा रही थी, रात से दूर मैं अद्वितीय अपना बन पा रही थी, रात से दूर मैं अद्वितीय अपना बन पा रही थी। दुष्कर्म वाली कविता पर, हाँ वो कविता मैंने ये कविता मैंने लिखी थी उज्जैन वाले केस पे, तो इसका शीर्षक है दुष्कर्म और इसकी पंक्तियाँ हैं। भय से कर रही वह याचना है, निकट आने से करती मना है, आत्मा चीखती बहती अश्रुधारा, हृदय नीचता के समक्ष हारा, विनती कर रही आत्मा उसकी, पांव के नीचे से जमीन खिसकी, ऐसा कर्म हमने क्या किया है जो पापियों ने पीछा किया है, बिना अपराध कहती माफ कर दो, मेरा दुर्भाग्य मेरे खिलाफ कर दो, प्रिया तुमने भी माँ का छी रही है, क्यों मन तुम्हारा हो रहा विचलित नहीं है, निहत्थे पर नहीं यूं वार करते, मानवता को क्यों तार तार करते, प्राणों पर तनिक दया दिखाओ, मेरे मन को नहीं शर्वरी का घर बनाओ, बिलखती है वह ही की वेदना से, बेखबर होती जा रही है चेतना से, भयावह दृश्य क्यों मुझको दिखाते, तम कोठरी में क्यों खींच लाते, भीषण प्रहार से भाग्य को विपरीत मानूं, मैं किससे दया की भीख मांगूं, पातकी रोग खुद की दुष्टता को, त्याग दे इस क्षुद्रता को, भला किस जनक का सम्मान है तू, जननी की कोख का अपमान है तू, जननी की कोख का अपमान है तू, मुझे हे नाथ अब तुम ही बचाओ, तिमिर में आस का दीपक जलाओ, इस अपराध को कैसे भी रोको, अथवा धरा को ही अग्नि में झोंको, जलाकर राख कर दो संसार सारा, अधम ने मानवता को कई बार मारा, धरित्री का अस्तित्व ही अब नष्ट कर दो, नारी की प्रबलता स्पष्ट कर दो, नहीं हम वासना का हिस्सा बनेंगे, नहीं हम खून में लतपत मिलेंगे, विध्वंस के चरम पर ही दुर्जन रुकेगा, धरा खुद ही जलेगी तो अधेरा क्या टिकेगा, धरा खुद ही जलेगी तो अधेरा क्या टिकेगा, न जग होगा न मलिन लाल होंगे, न नारी होगी न उसके काल होंगे, हवसी नेत्र मुझे डरा रहा है, पामरता का आकार बढ़ता जा रहा है, कुकर्मी वासना का वार सहना, घिनौनी चाह का शिकार बनना, इस अपराध पर भी मौन रहता, जग मनुष्यता का ढोंग करता, मैं उस क्षण चीखती कोई तो आए, जो इस भेड़िए को नोच खाए, मगर नारी ही नोची जा रही है, राक्षसी भूख उसको खा रही है, मरण से ही मेरा अन्याय होगा, कितनी ललनाओं के साथ यह अन्याय होगा, कब तक ललनाओं के साथ यह अन्याय होगा। हो गया, थैंक यू सर।